imitation. But if you get it, not on me. Yeah, yeah, yeah. नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडी ब्लॉग में। दोस्तों आप सोच रहे होंगे आज ये घर पे तो है नहीं, कहीं बाहर खड़ा है और पता नहीं कहां खड़ा है, कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम आए हैं TVS के शोरूम में। कहेंगे भाई ये TVS के शोरूम बहुत घूमता, पता नहीं क्या TVS वालों से ज़्यादा प्यार है क्या स्पॉन्सर, ऐसा कुछ ही नहीं है। मेरे आपको याद होगा मेरे एक दोस्त ने आज से कुछ एक डेढ़ महीने पहले एक स्कूटी ली थी TVS Ntorq, उसकी आज पहली सर्विस का टाइम हो गया है, 500 किलोमीटर हो गए हैं, तो उसकी हम सर्विस कराने आए हैं TVS के शोरूम मटियाला में। वर्कशॉप एक्चुअली है, यहाँ पे TVS की सर्विस होती है। तो आज हम उसका 500 किलोमीटर हो गया, उसका एक ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, यू शुड बाय और नॉट, और जो बाकी डिटेल है वो मेरा फ्रेंड बताएगा, क्योंकि उसने ड्राइव करी है तो उसको ज़्यादा बेहतर पता है कि ये गाड़ी में क्या अच्छाई है क्या बुराई है। और एक 70,000 से 75,000 के बजट में आपको स्कूटी लेनी चाहिए यार, या आपको इसके जो कंपटीटर है, और भी मुझे किसी का नाम नहीं लूँगा, आप उसके लिए जा सकते हैं। तो बाकी पूछते मेरे फ्रेंड से। हियर इज़ माई फ्रेंड आशीष। हेलो व्यूअर्स, आज हम 500 किलोमीटर का एक TVS Ntorq का एक ऑनेस्ट रिव्यू देने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने उसके प्रॉज एंड कॉन्स की अगर बात करें हम, तो एक सिर्फ कॉन जो मुझे अभी तक पर्सनली लगा कि उसका जो GPS नेविगेशन असिस्टेंस है वो उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं रहा, मतलब उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा जितना हम एक्सपेक्टेड करते थे। तो बस इसके अलावा मुझे बाकी सारे फीचर्स बहुत अच्छे लगे, एक यही एक कॉन जिसका मुझे अभी पर्सनली 500 किलोमीटर पे लगा। अगर हम इसके प्रॉस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बेहतर 75,000 to 70,000 के बीच में ये सबसे बेस्ट स्कूटर है। 125cc का 22 लीटर की इसकी स्टोरेज है, चार्जिंग स्लॉट है, और जो इसका स्मार्ट कनेक्ट कॉलिंग फीचर है वो बहुत अच्छा है, और जो सबसे ज़्यादा राइडर्स पसंद करते हैं जो इसका पिकअप है वो बहुत ही ज़्यादा, इसकी जो टॉप स्पीड है 100 प्लस अभी तक टच एज एक्सपेक्टेड है कि वहाँ तक जाएगी। अब फर्स्ट सर्विस के बाद हम भी ट्राई करेंगे वहाँ तक पहुँचने की। तो ये अभी सर्विस से पहले का रिव्यू है, अब गाड़ी जो है अंदर सर्विस के लिए चली गई है, देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना लगता है। वैसे बताया 1-1.5 घंटा लग जाएगा, आई होप सो। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। वेलकम बैक गाइज, अब गाड़ी की जो है सर्विस हो चुकी है और अभी हम बहुत तेज़ लग रही थी भूख, तो अब हमें जाना है कहाँ पे, राजू चूर चूर नान, कहाँ पड़ता है ये, द्वारका सेक्टर 14 IP यूनिवर्सिटी के पास। तो अब हम जा रहे हैं नान खाने। तो ओवरऑल TVS के सर्विस सेंटर का जो एक्सपीरियंस था वो ठीक रहा, जैसा सोचा था कि टाइम ज़्यादा लगेगा पर उतना लगा नहीं। हम लोग ने 10:30 बजे स्कूटी दी और 11:30 बजे ठीक हमें स्कूटी वापस मिल गई, तो उस चीज़ से मैं काफ़ी खुश हूँ TVS के देखकर। लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो अभी हम एक यहाँ पे नान वाला है उसको ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही हम खाते हैं तो इस बीच में आप देखिए एक सिनेमैटिक शॉट। सो गाइस, हो गई है पेट पूजा और खा लिया हमने फ्रेंच, अब जा रहे घर की तरफ। अब एक्चुअली क्या है कि जब आपके पेट में कुछ खा लेते हो ना तो एक ताकत सी आ जाती है, तो वही एनर्जी जो है रीगेन हो गई है।
फाइनली गाइज वी रीच एट होम. ये मेरे फ्रेंड का घर है. ये जो आप पीछे पेंटिंग वॉल पेंटिंग देख रहे हैं एक्चुअली उसी ने बनाई हुई है. खैर पॉइंट पे आते हैं, इसका भी ब्लॉग बनाएंगे कभी. जो टी वी एस सेंटोर की सर्विस थी, अब सर्विस होने के बाद जो भी छोटी मोटी गलती हम छोटी मोटी उसमें जो लग रही थी आपका जो किसमें नेविगेशन में जो प्रॉब्लम लग रही थी वो हमने चेक किया सर्विस के बाद, तो वो ठीक दिखा रहा है. तो मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक ठीक है. अब आगे समय आएगा, देखते चेक करते हैं कितना वो काम मतलब ठीक से काम कर पाता है. ये तो टाइम ही बताएगा. और आशीष अब एंड में कुछ कहना चाहता है अपने स्कूटी एंटोर के बारे में, भाई कुछ बोल दो आप. जो एंटोर का अगर आप सर्विस कराने जाओगे तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपॉइंटमेंट के साथ जाओगे तो जो आपका काम है वो बहुत जल्दी हो जाएगा. जैसे मैंने अपनी अपॉइंटमेंट ले ली थी पहले 10 बजे की, 10:30 हमारी एंट्री हो गई थी और 11:30 बजे हमारी सर्विस शुरू होके हम बाहर निकल चुके थे. तो ये बहुत अच्छा लगा वहाँ के टीवीएस का जो सर्विस सेंटर था, बहुत जल्दी सर्विस हो गई और बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट करा. बहुत अच्छा रहा आज के और आज के दिन काफ़ी मज़ा आया. आशा करता हूँ आपको भी ब्लॉग पसंद आया. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. अभी के लिए दी गई जाए, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम और जय हिंद.